नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, सर्दी जुखाम वैसे तो आम सी बीमारी है, पर अगर इसका इलाज सही तरीके से और सही समय पर ना किया जाए तो ये रोग खतरनाक रूप भी ले सकता है। जुखाम अपने साथ और भी कई प्रकार की परेशानियों का कारण बन सकता है, जैसे कि बलगम, सिर दर्द और बदन दर्द आदि। अगर आप भी इन सब चीजों से परेशान रहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आज के इस पैकेज में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे घर में मिलने वाले मामूली से जीरे से आप अपने सर्दी जुखाम से छुटकारा पा सकते हैं। जीरा सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि जीरे जैसी छोटी सी मामूली सी चीज भी हमें कई बीमारियों से बचा सकती है। जीरा हमें जर्म्स और इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। जीरे में विटामिन सी और विटामिन ए होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और हमें सर्दी जुखाम से लड़ने में मदद करते हैं। जीरे में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होता है, जो सर्दी जुखाम के लक्षण को कम करने में मदद करता है। जीरे से सर्दी भगाने के दो तरीके हैं। पहला, पहले आप एक गिलास पानी को उबाल लें और उसमें एक चम्मच जीरा मिला दें, फिर 5 मिनट तक उसे उबालें, फिर उसमें आधा चम्मच अदरक का पेस्ट मिला दें। आप उसमें थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं। नमक आपके गले में इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करेगा। पानी में जीरा और अदरक मिलाने के बाद उसे थोड़ी देर तक उबालें और फिर गैस से नीचे उतार लें। इसे इतना ठंडा होने दें कि आप पी सकें, लेकिन ध्यान रखें, बिल्कुल ठंडा करके नहीं पीना है। जितना गर्म आप इसे पी पाए उतना अच्छा। इस मिश्रण को पीने से आपको जल्द से जल्द अपने जुखाम में फर्क महसूस होगा और साथ ही साथ आपकी बंद नाक भी खुलेगी और आपके गले का इन्फेक्शन भी छूमंतर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा तरीका जानते हैं, जिससे आप जीरे के साथ अपने जुखाम से छुटकारा पा सकते हैं। आप जीरे के पानी की स्टीम भी ले सकते हैं। 4 कप पानी उबाल लीजिए और उसमें 1 चम्मच जीरे के दाने डाल दीजिए, और जल्दी आराम पाने के लिए आप उसमें 6 से 8 लौंग के दाने भी डाल सकते हैं। लौंग भी बहुत ज्यादा कारगर है सर्दी और जुखाम से छुटकारा पाने में। 2-4 मिनट तक इस पानी को उबाल लीजिए, फिर गैस बंद करके अपने सर के ऊपर तौलिया ढक कर स्टीम ले लीजिए। इस तरह से भाप लेने से आपका सर्दी जुखाम ही ठीक नहीं होगा, बल्कि जुखाम से जो सर एकदम ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है, वो भी एकदम खुल जाएगा। तो दोस्तों, इन टिप्स को जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये आपके लिए कितनी कारगर रही। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।